स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज मेरे साथ है मेरे लेप्रोस्कोपिक गायनेक विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग भाटे जो कि मुंबई से प्रशिक्षित हैं। डॉक्टर अनुराग के साथ अभी हम लोग एक लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी यानी कि बच्चेदानी में गठान थी, काफी बड़ी वो गठान थी, 7-8 सेंटीमीटर की वो गठान थी जिसे हमने दूरबीन पद्धति के द्वारा निकाला है। और अभी जब तक हमारा दूसरा केस तैयार हो रहा है जो कि है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी यानी कि दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन करना, तो हमने सोचा क्यों ना इसी बीच जब तक हम उस केस का वेट कर रहे हैं हम अपने उन व्यूअर्स का जवाब दे दें जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन क्या होती है, दूरबीन द्वारा सर्जरी कैसे होती है, हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है। तो आपका क्या कहना है कि लेप्रोहिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, अगर हमें इसे आम भाषा में समझाना है तो कैसे हम आम भाषा में अगर अपन बोलेंगे तो सबसे सिंपल वे में मैं समझा सकता हूँ कि लेप्रोस्कोपी मतलब एक छोटे से छेद के थ्रू हम एक दूरबीन डालते हैं पेट के अंदर ऑर्गन्स देखने के लिए, स्पेशली बच्चेदानी, ट्यूब्स, ओवरीज, और इसके अलावा दो साइड में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए छेद कर सकते हैं जिससे हम मेजर सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ट्यूब का ब्लॉकेज है, कुछ ओवरी में गठान है, कुछ यूट्रस में गठान है, ये सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपी के द्वारा इजीली पॉसिबल है। सिंपल भाषा में इसे लेजर सर्जरी भी कहा जाता है, पर एक्चुअली ये दूरबीन की सर्जरी। लेप्रो मतलब पेट, स्कोपी मतलब दूरबीन, यानी कि पेट के द्वारा अगर दूरबीन डाली जाती है तो उसे लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि उसमें हम लोग बहुत छोटे छेद के जरिए बड़ी बड़ी सर्जरीज भी कर लेते हैं, तो इसलिए इसे की होल सर्जरीज या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज भी बोला जाता है। ऐसे ही होती है हिस्टेरोस्कोपी। छोटे से दूरबीन को थैली के अंदर डाला जाता है, नेचुरल ओरिफिस मतलब नॉर्मल नेचुरल जो जगह है उसके थ्रू यूट्रस के अंदर हिस्टेरोस्कोप एक स्मॉल छोटा दूरबीन होता है जो थैली के अंदर डाला जाता है। थैली के अंदर की परत, अस्तर, उसके अंदर कुछ गठान तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई चिपका हुआ तो नहीं, ये सब समस्या है जिसकी वजह से बच्चा होने में तकलीफ होती है या किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है किसी गठान की वजह से, तो ये सब डायग्नोसिस और उसकी सर्जरी करने के लिए इसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, जो छोटा दूरबीन थैली के अंदर डालते हैं। तो बच्चेदानी के अंदर, हिस्ट्रो मतलब बच्चेदानी, स्कोपी मतलब दूरबीन, तो बच्चेदानी के अंदर की जांच अगर करी जाती है तो उसे बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपी। और कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिन्हें मात्र हिस्टेरोस्कोपी के जरिए ही एक्यूरेटली पता किया जा सकता है और उसे ठीक भी किया जा सकता है, जैसे कि होता है कि बच्चेदानी के अंदर में पर्दा होना जिसे हम बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस या यूट्रस में सेप्टम का होना। अगर सेप्टम है तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरने में भी दिक्कत आती है यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, और कई बार सेप्टेड यूट्रस की वजह से बार बार 2-4-5-6 बार भी गर्भपात भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके की कोई समस्याएं रहती है तो हिस्टेरोस्कोपी एक बून है वो इनफर्टाइल कपल्स या वो रिकरेंट मिसकैरेज से जूझती हुई महिलाओं के लिए, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें जैसे कि इन्होंने बताया सेप्टम, पॉलिप, और पॉलिप मतलब बच्चेदानी के अंदर में मस्से होना या गठान होना, ये सब वो समस्याएं हैं जिनके चलते प्रेगनेंसी ठहरने में परेशानी आती है क्योंकि वो जगह जहां पे बच्चा दिखता है उसे खराब करती है। और कई बार थैली के अस्तर की क्वालिटी कि उसमें बच्चा बराबर चिपक सकता है कि नहीं, या फिर थैली के अंदर किसी चीज की वजह से स्पेस या जगह कम हो गई हो, तो वो भी दूरबीन के द्वारा, हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा सिंपल प्रोसेस सर्जरी का है जिसके थ्रू जगह बड़ी बनाई जा सकती है या फिर थैली का स्तर ठीक किया जा सकता है जिससे बच्चा रहने में और 9 महीने तक आगे बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आती। बिल्कुल ठीक बताया सर ने अभी, जैसे वो महिलाएं जिन्हें बच्चा ठहरने में दिक्कत आ रही है लेकिन साथ ही साथ उनके बच्चेदानी की जो परत है उसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको पीरियड्स जो है वो पीरियड्स गड़बड़ आते हैं, या जब अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड में लगता है कि एंडोमेट्रियम वो परत जितनी मोटाई की जैसे पैटर्न की होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो ऐसे में हिस्टेरोस्कोपी करके ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर एंडोमेट्रियम में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें कोई इन्फेक्शन है या उसमें जाले आ चुके हैं जिसे हम बोलते हैं साइनिके या एडिशंस, अगर किसी वजह से पहले बार बार डीएनसी हो चुकी है या पीरियड्स कम आ रहे हैं या टीबी बच्चेदानी में कभी हो जाता है तो उस वजह से अंदर में साइनिके बन जाते हैं या कई बार अंदर की कैविटी छोटी हो जाती है जिन्हें हम हिस्टेरोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस या हिस्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टिक करके सर्जरी रहती है,
कभी कभी जहाँ पे नली बच्चेदानी में खुलती है हाँ। वो जगह भी ब्लॉक हो सकती है जिससे कि अंडा अंडे अंडा बीज से जो अंडा निकलता है वो थैली में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं रह सकता। इसको भी एक सिंपल हिस्टोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा वो जो ब्लॉक है नली का एक छोटी सी ट्यूब के द्वारा हम ओपन कर देते हैं, जिसको हम कैन्युलेशन सर्जरी कहते हैं। और बहुत ही सिंपल सर्जरी है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रेगनेंसी का रेट उसके बाद काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से हम हिस्टोस्कोपिक सर्जरीज करके वो समस्याएं जिनसे बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है या अबॉर्शन होते हैं उनका पता कर सकते हैं और साथ ही साथ सक्सेसफुली उनका ट्रीटमेंट भी सेम सिटिंग में करते हैं। अभी डॉक्टर अनुराग, हमने एक केस किया है जिसे हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक लेप्रोहिस्टोस्कोपिक मायोमेक्टमी हमने किया है। वो एक यंग गर्ल थी जिसको पेट में हैवीनेस लगता था, हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और अल्ट्रासाउंड जब हमने किया तो ये पाया कि उसके अंदर में एक लगभग 7.5-8 सेंटीमीटर का एक रसौली या जिसे फाइब्रॉइड हम लोग बोलते हैं वो था। तो आपको क्या लगता है कि लेप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा गठान बच्चेदानी में गठान का ऑपरेशन करना और ओपन सर्जरी जहां हम पूरा पेट को काट करके गठान को निकालते हैं, तो इन दोनों में से किसके क्या फायदे हैं? दूरबीन के, दूरबीन करना ठीक रहता है या ओपन सर्जरी करना ठीक रहेगा? देखिए, आजकल के जमाने में सबसे सिंपल कंपेरिजन करूँ तो आपको मोबाइल अच्छा लगता है कि लैंडलाइन फोन अच्छा लगता है? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक मोबाइल फोन है, ओपन सर्जरी लैंडलाइन फोन। आप चॉइस आपकी है। एडवांटेज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लीडिंग कम होता है, अंदर सर्जरी के बाद चीजें जो चिपक जाती है जिसको हम एडेशन बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत कम होते हैं, और हॉस्पिटल स्टे जिसमें ओपन सर्जरी के बाद 5-7 दिन ठहरना पड़ सकता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद आप सेकेंड डे या नेक्स्ट डे या सेम डे भी घर जा सकते हैं। ये बेसिक 3 एडवांटेज है। उसके बाद रिकवरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत जल्दी होती है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग कम होता है, घर जाके आप सब काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, पेन कम होता है, टिश्यू हैंडलिंग कम होती है अंदर क्योंकि बहुत प्रिसाइजली हमारे को दिखाई देता है तो हम बहुत क्लोज जाकर के डिसेक्शन करते हैं अंदर, तो सर्जरी तो अच्छी होती है और टिश्यू हैंडलिंग मिनिमम होने की वजह से, ब्लीडिंग कम होने की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव यानी सर्जरी के बाद जो डिस्कम्फर्ट या पेन होता है वो भी ओपन सर्जरी के मुकाबले कम रहता है। और सबसे बड़ी बात जो इस लड़की के साथ में थी, अभी साल भर के अंदर में इसकी शादी होने वाली है तो इसे एक बहुत बड़ी टेंशन थी कि अगर मैं ओपन सर्जरी कराती हूँ तो मेरे पेट पे बहुत बड़ा सा निशान आएगा, स्कार दिखेगा, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्कार बिल्कुल नहीं दिखता है। तो एक कॉस्मेटिक एडवांटेज भी होता है कि ओपन सर्जरी अगर हम करते हैं तो पेट पे बहुत बड़ा लंबा सा निशान आता है, और जबकि दूरबीन द्वारा यही अगर सर्जरी करी जाती है तो बहुत छोटे छोटे निशान आते हैं जिनको हम लोग केयर आगे करते हैं तो शायद वो कभी दिखाई नहीं। और कॉस्मेटिक एडवांटेज को लेकर के भी काफी लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा हर्निया, ओपन सर्जरी में हर्निया के चांसेस हमेशा रहते हैं बाद में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में वो चांस मिनिमल या नील के बराबर है क्योंकि हम लोग वहां पे मसल्स को कम काटते हैं, मसल्स को कम डैमेज करते हैं तो इस वजह से हर्निया होने के चांसेस भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कंपेयर में कम रहते हैं। इसके अलावा और कौन सी सर्जरीज हैं जिन्हें हम लोग दूरबीन के द्वारा अच्छे से कर सकते हैं? ये तो हुआ लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ऐसे ही अंडाक्षे में, ओवरी में अगर कोई गठान रहती है, ओवेरियन सिस्ट जिसे हम बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस एक करके बीमारी होती है जिसके चलते बच्चा ठहरने में बहुत दिक्कत आती है, तो एंडोमेट्रियोसिस में अगर हम लोग एडिशंस को क्लियर कर देते हैं और हमारी ओवरीज को फ्री कर देते हैं, उसके अंदर की गठानों को क्लियर कर देते हैं, तो कई बार अच्छी सर्जरी के बाद नेचुरली उसके बाद फिर बच्चा ठहरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो एंडोमेट्रियोसिस में हम लोग फर्टिलिटी इनहेंसिंग सर्जरी जिसको बोलते हैं, जिसमें अगर ओवरी में कोई गठान है, ट्यूब में कुछ ब्लॉकेजेस है, ट्यूब में कुछ छोटी मोटी गठाने हैं, थैली के अंदर जो गठाने हैं, एंडोमेट्रियोसिस जैसे डॉक्टर नीरज मैडम ने बोला, ये सब सर्जरीज मिनिमल हैंडलिंग और अच्छा टिश्यू डिसेक्शन से रिजल्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी या फर्टिलिटी रिजल्ट्स बहुत इनहेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हम किस तरीके से लेप्रोहिस्टोस्कोपी के जरिए हम लोग उन प्रॉब्लम्स का पता कर सकते हैं, कैसे मिनिमम इंटरवेंशन के जरिए सर्जिकल इंटरवेंशन को कम से कम रखते हुए हम लोग इन प्रॉब्लम से निजात भी पा सकते हैं। तो अभी हमारा दूसरा केस लग गया है, हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा हिस्ट्रेक्टमी यानी कि बच्चेदानी को निकालने वाले हैं और हम इसके बारे में, लेप्रोहिस्टोस्कोपी के बारे में और भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके अगर कुछ भी सवाल है तो प्लीज
जरूर कमेंट करेगा, हम टाइम टू टाइम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।